श्रीराधा राधा 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 श्रीराधा राधा राधा श्रीराधा राधा 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 मेरी राधा 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 श्रीहरिवंश श्री हरिवंश श्री राधे श्री राधे श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनन्य शरणागति एकमात्र अनन्य आश्रय होना चाहिए हमें यह दृढ़तापूर्वक धारणा करनी है कि श्यामा श्याम के गोरे और सांवले चढ़ ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हैं एकमात्र लक्ष्य हैं क्या हमारा लक्ष्य श्री श्यामा श्याम के चरण हैं क्या यह चरण हमारा उद्देश्य बने हुए हैं जरा विचार करिए सोचिए अपने अंदर झांकिए क्या हमने भगवान श्री राधा कृष्ण को अपना लक्ष्य बनाया है आपका उत्तर आपके मन से हृदय से स्वयं आ जाएगा हाँ या ना क्यों नहीं बनाया आखिर क्यों नहीं बनाया भगवान की प्राप्ति करना ही हमारा जीवन का एक मात्र लक्ष्य है यह दुर्लभ मनु शरीर हमें प्राप्त हुआ है भगवान की प्राप्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए अगर यह शरीर अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो आपका जो बीता हुआ समय है वो क्या आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है बीते समय में किए गए कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं क्योंकि उस समय ना तो आपने भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों की शरणागति ली ना नाम का सहारा लिया ना कोई ऐसा साधन किया जिससे भगवान प्रसन्न हो सकें तो कैसे आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है इस मनुष्य देह मिलने के बाद भी यह मनुष्य देह भोगों के लिए नहीं बना है भगवान से प्रेम करने के लिए बना है भगवान की सेवा करने के लिए बना है जरा विचार करिए आपको कितना सुख मिलता है प्रेम मिलता है जब आप अपनों की सेवा करते हैं अपने बच्चे और पत्नी की सेवा आप कर रहे हैं मुझे तो लग रहा है बहुत से संसार के लोग इस समय अपने बच्चे और पत्नी की ज़्यादा सेवा कर रहे हैं चलिए इसी बात में विचार कर लेते हैं आप कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं सवेरे उठ रहे हैं जल्दी से आप अपने कार्य क्षेत्र में जाकर खूब कठोर परिश्रम करके पैसा कमा रहे हैं और आपके मन में विचार क्या है मेरा बच्चा पढ़े मेरी पत्नी खुश रहे मेरे बच्चा खुश रहे मैं उन्हें अमुक अमुक सामग्री दे सकूं आपके अंदर क्या है प्रेम देने की भावना है प्रेम देना चाह रहे हैं आप किसको अपने बच्चों को अपने पत्नी को अच्छी बात है यह एक गृहस्थ धर्म में रहने वाले व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बात है परंतु यही प्रेम जब आप भगवान के लिए करने लग जाते हैं तो ये भागवतिक प्रेम हो जाता है और यही प्रेम जो आप अपने पत्नी बच्चे अमुख रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं तो यह सांसारिक प्रेम कहा कहा जाता है अब इस सांसारिक प्रेम को भागवतिक प्रेम में बदलने का सरल उपाय क्या है ये मैं बताऊंगा आपको परंतु आपको यह सेवा भगवान की करनी है जो आप घर परिवार के लिए कर रहे हैं जो आसक्ति राग निष्ठा प्रेम जो आपके अंदर अपने परिवार अपने परिजनों को प्रसन्न करने के लिए हो रही है वही प्रेम आपको भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में कर देनी है अंदर से हृदय से करनी है शरीर से करनी है मन वचन क्रम से करनी है तब आपको भागवतिक प्रेम का कुछ रस प्राप्त होगा यह रस बहुत आनंद देने वाला है क्योंकि इस प्रेम में आप जो सेवा कर रहे हैं इस सेवा करने से आपको परम आनंद परम सुख प्राप्त होगा जरा करके तो देखिए करके तो देखिए जो ऋषि मुनि संत महात्मा भक्तगण भगवान की सेवा में लगे रहते हैं वो किस सुख को प्राप्त कर रहे हैं इसको आपको पता लग जाएगा यह सुख आपको मिलने लग जाएगा जब यह सुख आपको मिलने लग जाएगा तो संसार का सुख आपको बहुत ही निम्न प्रकृति का लगेगा इसको इस सुख को लेना ही नहीं चाहेंगे आप अब मैंने क्या पहले बताया था कि इस सांसारिक प्रेम और सुख को कैसे भागवतिक प्रेम सुख में बदला जाए जैसे कि आप अपनी पत्नी और बच्चों की सेवा कर रहे हैं कठोर परिश्रम कर रहे हैं धन कमा रहे हैं उन की केयर कर रहे हैं बहुत से पदार्थ लाकर उनको देते हैं अब इन पत्नी बच्चे अमुक रिश्तेदार जो भी आपके हैं इन सब में भगवत भावना कर दीजिए कि मेरे भगवान मेरी पत्नी में मेरे बच्चे में व्याप्त हैं मेरे सगे संबंधियों में व्याप्त हैं मेरे ऑफिस में मेरे कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों में व्याप्त हैं ये सब मनुष्य आप जो देख रहे हैं इन सब में जड़ चेतन में भगवान का ही व्याप वास है यह अकाट्य सत्य बात है भगवान हर घट घट में रहने वाला है हृदय में रहने वाला है जड़ चेतन पदार्थ सब जगह रहने वाला है आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा आपको तो ये बात पता ही नहीं है जब पता चल गई तो इसे मानना अच्छी बात है अगर इसको आप मानकर भगवत भावना से जब सेवा करते हैं अपने पत्नी बच्चों की तो यह भागवतिक प्रेम हो जाता है क्योंकि उस पत्नी के अंदर, अंदर भी मेरे भगवान का वास है उस बच्चे के अंदर भी मेरे भगवान का वास है उस माता पिता के अंदर भी मेरे भगवान का वास है जिसकी आप सांसारिक भाव से सेवा कर रहे हैं सिमट जाइए यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है अपने राग को जगह जगह मत फैलाइए जगह जगह आप अपना राग प्रेम मत फैलाइए आपकी एकमात्र ठौर श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों की सेवा और प्रेम ही है भगवान की सेवा करना बहुत ही दुर्लभ है जो करोड़ों जन्मों से मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है उस मनुष्य जीवन प्राप्त करने वाले विरले विरले मतलब करोड़ों में से कोई एक श्री कृष्ण को जान पाता है और श्री कृष्ण को जानने वालों में से विरला ही श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त होता है श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने वाले विरले ही श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त होते हैं और श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने वाले बहुत से लोगों में विरला ही श्री राधा कृष्ण के चरणों का अनन्य प्रेम प्राप्त कर सकता है तो यह दुर्लभ बात है लेकिन बहुत सरल बात है आपको यह प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है देव संत गुरु संत महात्माओं के चरणों की शरणागति प्राप्त करनी है उन्हें अपने मन से मन में रखना है मन से भगवान के चरणों में सेवा देनी है गुरु वचनों की आपको अच्छर सा पालन करना है अब गुरु भगवान कहते क्या हैं गुरु भगवान कुछ नहीं कहते वो नहीं कहते कि आप उनकी आकर शारीरिक सेवा करो संतरा सेब पैसा लाकर उनको दान दो, ऐसा गुरु कभी नहीं सच्चा गुरु कभी ऐसा नहीं बोलता वो गुरु यही बोलता है कि केवल बेटा भगवान का नाम पकड़ो भगवान का नाम पकड़ पकड़ के तू भगवान की प्राप्ति परम आनंद परम सुख को प्राप्त कर सकता है तो गुरु हमको दे क्या रहे हैं गुरु हमको परम सुख परम आनंद देने की देने की चाह रख रहे हैं वह हमसे कुछ चाहते नहीं है अगर आपकी सेवा भावना बन रही है तो आप उसे भेंट करिए लेकिन गुरु की यह कभी चाह नहीं रहती क्योंकि गुरु परम तत्व में विलीन है गुरु स्वयं श्री कृष्ण ही हैं वह विभिन्न शरीरों में व्याप्त हैं श्री कृष्ण ही गुरु रूप में बोलते हैं उस शरीर से जो मुंह से निकलता है आपको किसी गुरु संत महात्मा के दर्शन होते हैं साक्षात श्री कृष्ण उनके अंदर व्याप्त हैं और जो वो बोल रहे हैं वो श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं इसलिए साक्ष गुरु भगवान ही हैं उनकी बात को मानना अर्थात उनके दिए गए नाम को पकड़ लेना और उन्हीं का जाप करना असत आचरण हमें छोड़ देना है आप समझते हैं कि मैं चुपके से कोई गलत कार्य कर लूँ गलत आचरण कर लूँ तो इस किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन भगवान तो हर जगह व्याप्त है इसीलिए मन कर्म वचन से कोई गलत कार्य नहीं करिए अगर यह असत कार्य करेंगे तो यह कर्म के रूप में आपको सजा देने के लिए आगे जरूर मिलेगा इसलिए गलत व्यवहार गलत आचरण को छोड़ दीजिए गलत चिंतन छोड़ दीजिए गलत चिंतन गलत आचरण गलत व्यवहार करने से भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती भगवान का प्रेम बहुत दुर्लभ है बहुत दुर्लभ है इसे प्राप्त करना बहुत सरल भी है संत महात्माओं की शरणागति भगवान श्री राधा कृष्ण की शरणागति प्राप्त करने से हमें अपने आप को भगवान को समर्पित करना है क्या आप प्रेम सिंधु से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं हाँ प्रेम प्राप्त करना आपका उद्देश्य है आप प्रेम स्वरूप ही हैं क्योंकि आपके अंदर भगवान का व्यास वास है आप प्रेम और सुख संसार में देख रहे हैं इस संसार में जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप व्यक्ति को सता रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि व्यक्ति को सता रहा है इस संसार में आप सुख देखना चाहते हैं सुख प्राप्त करना चाहते हैं आनंद लेना चाहते हैं किसी पद को प्राप्त करना चाहते हैं कामना चाहते हैं तो यह आपको कभी भी सुख नहीं मिल सकता क्योंकि किसी भी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं होता देखिए कितने अमीर अमीर व्यक्ति लोग हैं कितने धन है संपत्ति है पद है ऐश्वर्य है लेकिन उनके जीवन में कहाँ सुख है वास्तविक सुख भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में है इस संसार में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं धनवान रहना चाहते हैं भाग्यवान रहना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना होगा बिना श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति आए आपको सुख आनंद और आपके कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है आप समझते हैं कि भगवान से संसार की वस्तु प्राप्त करना ही पूजा है संसार की वस्तु प्राप्त करके कौन महान हो गया कौन इस संसार की वस्तु को मरने के बाद लेकर चला गया बताइए आप जब इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो आपके पास केवल और केवल भगवान का नाम का धन ही रहेगा भगवान का प्रेम ही रहेगा अगर इसे आपने कमाया है तो इस धन इस पद प्रतिष्ठा यह संबंध जो भी आप अमुक अमुक लोगों से रिश्तेदारों से किए हुए हैं ये यहीं छूट जाएगा आपका शरीर भी यहीं छूट जाएगा अतः आपको एकमात्र प्रीति भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में करनी है इस बात को समझ जाइए इस बात को समझने वाला व्यक्ति परम सुख परम लाभ को प्राप्त होता है परम आनंद को प्राप्त होता है जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश